ओके, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर फॉर फ्रीलांसिंग। और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि आप अपना फाइवर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, उसमें आपने क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, एंड एवरीथिंग रिलेटेड दैट। में हमने अकाउंट बनाने से लेकर फर्स्ट गिग क्रिएट करने तक तमाम चीज़ें देखी। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या इसको हम क्यों स्पेसिफिकली मैंने उनकी वेबसाइट से निकाली है उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस, और इसको हम क्यों पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ सर्विस इज समथिंग लाइक कि आप जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने उनको जो है ना ज्वाइन करना है किसी जॉब के लिए, और वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ साइन कर देते हैं कि जो है ना आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, और आप ये नहीं पढ़ते कि इस पे लिखा क्या है, बस सिर्फ आप इस चक्कर में साइन कर देते हैं, चलो मुझे जॉब तो मिल रही है ना। तो हमेशा आपको, आप किसी भी समझदार बंदे से पूछो, आपको ये जरूर सजेस्ट करेगा कि नहीं, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। तो व्हाट दैट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स, या उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो यही टर्म्स ऑफ सर्विस होती है। आपने क्या करना है, कंपनी के पास क्या राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं, और जब तक आपको नहीं पता होता या आप पूरी तरह अवेयर नहीं होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फ्रीलांसिंग या आपकी एक 9 to 5 जॉब है। तो उसी चीज़ को, उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम फाइवर के जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उनको देखेंगे। और ये फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने अपनी आप यूँ कह रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, या अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम के बारे में एक्सप्लेन किया है, लैंग्वेज और रीजन वगैरह वगैरह। हम नीचे आ जाते हैं की टर्म्स पे। सबसे पहले जो की टर्म्स हैं जो फाइवर यूज़ करता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये वो टर्म्स हैं जो आपको फाइवर पे मिलेंगी और कहीं शायद ना मिले, या जो जिन मायनों में ये यहाँ इस्तेमाल हो रही शायद और कहीं ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बायर्स। बायर्स आर दोज पीपल जो आपसे आपकी सर्विसेज परचेज करते हैं ऑन फाइवर। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो फाइबर को यूज़ करते हुए आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, आपकी सर्विसेज ले रहा है, और आप उसको इन चार्ज कर रहे हैं सम डॉलर्स, और उसके बदले में आप उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू आर द सेलर और वो आपका बायर है। देन बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट इज अ कोलैबोरेटिव बायर अकाउंट क्रिएटेड बाय फाइबर फाइबर बिजनेस एज बेस्ड ऑन फाइबर बिजनेस टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, अच्छा, बिजनेस अकाउंट आपका होता है, इसको आप यूँ कह सकते हैं, जिस तरह से आप इसकी मिसाल ले लें, जैसे बिजनेस अकाउंट्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, या जो आपके पास आप कह लें कि वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, काइंड ऑफ दोज अकाउंट्स आर क्रिएटेड बाय फाइवर बिजनेस। और वो जो अकाउंट्स होते हैं वो आपके बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, उसमें एक पूरी वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दे डू नॉट रिप्रेजेंट वन सिंगल पर्सन। ठीक है, देन यू हैव बिजनेस अकाउंट टीम मेंबर और टीम मेंबर। ठीक है, अब इज एनी यूजर दैट इज इनवाइटेड और यूजेस अ बिजनेस अकाउंट। अब टीम मेंबर कोई भी ऐसा हो सकता है जो उस बिजनेस अकाउंट का ऑलरेडी मेंबर हो, या वो खुद जो है कोई ऐसा बिजनेस अकाउंट यूज कर रहा है, तो ही इज अ बिजनेस अकाउंट टीम मेंबर। देन यू हैव कस्टम ऑफर्स। कस्टम ऑफर्स इसको कहते हैं कि आपने एक गिग बना ली, गिग में आपने अपनी प्राइसेस दे ली, आपने अपना जो आपकी सर्विसेज थी वो आपने एक्सप्लेन कर दी है वहाँ पे क्लियरली। लेकिन उसके बाद अब जब आपका कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है, तो फिर आपने एक कस्टम ऑफर बनानी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कस्टमर जो है वो आपसे डिमांड करता है कि नहीं, इसमें अब मिसाल के तौर पे आपने अपने एक गिग क्रिएट की हुई है, और उसमें आपने कुछ फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो आपने एक पिक्चर के लिए बुक किया, एंड देन यू आस्क योर कस्टमर, यू आस्क योर द बायर आस्क यू कि आप उसको वही काम 2 पिक्चर्स के लिए, 5 पिक्चर्स के लिए करके दें। तो अब वो काम आपने जब उसको 2 पिक्चर्स के लिए, 5 पिक्चर्स के लिए करके देना है, तो डेफिनेटली आपकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो उस प्राइस इंक्रीज प्राइस टैग के लिए और इंक्रीज आपका जो वर्कलोड है उसके लिए आपको एक नई ऑफर क्रिएट करनी पड़ती है, और वो ऑफर आप क्रिएट करते हैं यूजिंग कस्टम सर्विसेज। जब आप अपने कस्टमर के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं, जब आप अपने कस्टमर से चैट कर रहे होते हैं, तो उसके बाद व्हेन दे आस्क यू कि ठीक है आप हमें जो है ना आप एक कस्टम ऑफर सेंड कर दें, तो यू कैन क्रिएट कस्टम ऑफर विद इन द चैट बॉक्स। जहाँ पे आप अपने कस्टमर से चैट कर रहे हैं, वहीं से आप उसी चैट बॉक्स के अंदर से आप कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपने कस्टमर को वो कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना डिलीवरी टाइम भी आपने मेंशन करना होता है, आपने उसके कस्टम ऑफर को एक्सप्लेन भी करना होता है, आपने अपनी प्राइस भी बतानी होती है, और रिविजन भी मेंशन करनी होती है उसमें।
इट इज काइंड ऑफ अ गिग, लेकिन ये बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमने देखा था गिग, एक गिग कंप्लीट करने के आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं, इसमें वो नहीं होता, लेकिन इट इज काइंड ऑफ अ स्मॉल गिग यू कैन से। देन यू हैव कस्टम ऑर्डर, कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट मेड बाय बायर टू रिसीव अ कस्टम ऑफर फ्रॉम अ सेलर। अच्छा, आपने कस्टम ऑफर जो आपकी तरफ से गई वो, या जो आपने एक कस्टम गिग बना के दी वो कस्टम ऑफर थी, और जो कस्टमर ने या बायर ने आपसे डिमांड किया उसको आप कस्टम ऑर्डर कह सकते हैं। देन यू हैव गिग एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज ऑफर्ड ऑन टॉप ऑफ सेलर सेलर गिग फॉर एडिशनल प्राइस डिफाइंड बाय द सेलर। अच्छा, अब आपने अगर मिसाल के तौर पे 2 दिन का डिलीवरी टाइम मेंशन किया है और आपका कस्टमर ये चाहता है कि आप वो सर्विस उसको 1 दिन में करके दें, या विद इन सम शॉर्ट टाइम, मतलब आपने 1 हफ्ता बेसिकली अपनी गिग में मेंशन किया, एंड द बायर वांट्स इट टू बी डन विद इन डे और टू, तो उसके लिए फिर आप अपने गिग में एक्स्ट्राज ऐड करते हैं कि अगर आपने इतने के बजाय इतने दिन में चाहते हैं तो उसके लिए मैं इतना एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। दीज आर कॉल्ड गिग एक्स्ट्राज। देन यू हैव गिग पैकेजेस। पैकेजेस को हमने देखा था कि आप 3 पैकेजेस में कैटेगरी या कैटेगराइज कर देते हैं, या हायरार्की उसकी बना देते हैं अपने प्राइस की, अपने काम की, और उसको आप टॉप टू बॉटम में जो सॉरी यू कैन से फ्रॉम 0 to 10 आप उसको डिफाइन कर देते हैं, यानी फ्रॉम लोअर टू हायर के ये आपका मिनिमम इतना है, एवरेज इतना हो जाएगा, और एट मैक्स जो है ना मैं जो काम आपको करके दे सकता हूँ या जो मेरी सर्विसेज हैं उसकी एट मैक्स अगर प्राइस हो तो वो इतनी होगी, और अगर उसका जो के दौरान जो मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा वो इतनी होगी, तो वो आप जो है गिग पैकेज के अंदर डिफाइन करते हैं। देन यू हैव गिग पेज। तो गिग पेज इज वेयर द सेलर कैन डिस्क्राइब द गिग एंड गिग टर्म्स एंड द बायर कैन परचेज द गिग इन ऑर्डर। अच्छा, अब गिग पेज जो होता है वहाँ पे अब आप सेलर जो है वो सर्च करता है एक स्पेसिफिक सर्विस को, और उसको जो है वहाँ पे डिफरेंट गिग्स जो होती है और उसमें से वो एक गिग को सिलेक्ट करता है और ओपन करता है, तो वो जो पेज ओपन हुआ है इट इज कॉल्ड गिग पेज, जहाँ पे आपने अपनी गिग को एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड नाउ द बायर कैन व्यू योर डिटेल्स, और वहां से वो आपको कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो दैट इज कॉल्ड गिग पेज। देन यू हैव गिग, गिग्स आर द सर्विसेज ऑफर्ड ऑन फाइवर। ठीक है, आपने इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना, फर्स्ट टाइम लोग आते हैं तो उनको यही पता नहीं होता कि व्हाट इज गिग, तो गिग में कोई ऐसी खास बात नहीं, इट इज सिंपली सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाय फाइवर, या यू कैन से सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाई यू ऑन फाइवर। आपकी अपनी सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं किसी दूसरे को, किसी तीसरे को ऑन फाइवर, और वो जो है ना उसके लिए आपने जो चीज़ बनानी है या जो कोई आपने मीडियम यूज करना है वो आपका एक गिग है, जिसमें आपने अपना अपनी सर्विस को शोकेस करना है, और उसको आप फिर यूँ समझने कि आप उसको डिस्प्ले पे लगा देते हैं और बायर जो है या कस्टमर या क्लाइंट्स आके चेक करते हैं और वहाँ से वो सिलेक्ट कर देते हैं। देन यू हैव लोगो डिजाइन। तो लोगो डिजाइन इज एन ओरिजिनल डिजाइन फॉर अ लोगो अपलोडेड बाय सेलर थ्रू द फाइवर लोगो मेकर। अच्छा, अब लोगो डिजाइन जो है इसमें इज ओरिजिनल डिजाइन फॉर लोगो। ठीक है, एक तो आपने इसमें ये चीज ख्याल रखनी है, हमने उस दिन भी देखा था कि जो ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज होती है इसमें ओरिजिनलिटी जो है बहुत मैटर करती है, अगर आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई माइन्यूट सी भी गिग है तो उसमें इमेजेस का जो कॉपीराइट है वो बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है, एंड इवन फाइवर खुद चेक करता है कि आपने जो उसके ना इमेजेस अपलोड किए हैं, आपने जो उसमें डिस्क्रिप्शन डाली है, कुछ भी ऐसा आपने किसी दूसरे का तो नहीं चुराया है, अगर आपने वेदर यू हैव स्टोलन इट फ्रॉम समवन ऑन फाइवर या फिर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से वो चुराया उससे फर्क नहीं पड़ता, फाइवर ऑटोमेटिकली बस क्या करता है कि आपकी उस गिग को या रोक देता है या डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन जो है आपने ओरिजिनल डिजाइन जो आपने किसी लोगो के लिए बनाया है अपलोडेड बाय अ सेलर जो के आपने अपलोड किया थ्रू द फाइवर लोगो मेकर, आप उसको फाइवर लोगो मेकर के थ्रू अगर अपलोड कर रहे हैं ऑन फाइवर तो वो लोगो डिजाइन हो जाएगा आपको। देन लोगो मेकर इज एन ऑटोमेटिक लोगो डिजाइन टूल ऑफर बाय फाइवर, ये एक टूल है बेसिकली जो फाइवर ऑफर कर रहा है आपको लाइक मेनी अदर ऑनलाइन टूल्स, और उसी में आपने लोगो मेकर एक बेसिकली टूल है और उसी में जो आप डिजाइन बना रहे हैं आप अपलोड कर रहे हैं वो आपको लोगो डिजाइन आ जाए। देन यू हैव ऑर्डर पेज। ऑर्डर पेज वो है जहाँ पे बायर एंड सेलर कम्युनिकेट विद ईच अदर इन कनेक्शन विद एन ऑर्डर्ड गिग। अच्छा, आप ऑर्डर पेज ये होता है कि एक तो आपका चैट बॉक्स होता है जो आपका इनबॉक्स आप कह सकते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट मैसेज ड्रॉप होते हैं, लेकिन वंस एक कस्टमर से जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और अब आप उसका वो ऑर्डर परस्यू कर रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस दौरान एक ऑर्डर पेज क्रिएट होता है, और उस ऑर्डर पेज में आप अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, आप
उनको अपने परफॉर्मेंस किससे अपडेट वहाँ कर सकते हैं कि इतना मैंने कर लिया है, इतना भी रहता है, फर्दर आपने डिलीवरी भी उसी पेज पर देनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फेज। देन यू हैव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स इज द फॉर्मल एग्रीमेंट्स बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर आफ्टर परचेज वाज मेड फ्रॉम द सेलर डेट पेज। ये ऑर्डर सिंपली आप इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक कस्टमर और सेलर के बीच में एक आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट है, या आप एक अग्रीमेंट, फॉर्मल अग्रीमेंट है कि इतने डॉलर जो आपको पे करेगा तो आप उसके बदले में उसको ये काम करके देंगे। एंड देन सेलर, सेलर जो पीपल हु ऑफर देयर सर्विसेज ऑन फाइवर, वो आप भी हैं, वो कई और लोग हैं, लाखों लोग हैं जो फाइवर पर काम कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल कॉल्ड सेलर। और एक बात, सेलर जो है वो बायर्स भी हो सकते हैं इन केस ये एक ऐसा सिनेरियो है कि अगर मिसाल के तौर पे आप एज अ सेलर काम कर रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग एज अ सेलर ओवर 2 to 3 years, और अब आपने एक टीम बनानी है और आप ये चाहते हैं कि आप फाइवर पे ही किसी दूसरे बंदे के साथ कोलैबोरेट कर लें। मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफिक डिजाइनर है और आप एक दूसरा ग्राफिक डिजाइनर हायर करना चाहते हैं, या आप उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो एट दैट पॉइंट आप बायर भी बन सकते हैं। या सिंपली अगर आप में सेलर हैं और आपको खुद कोई सर्विस चाहिए, मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपको कंटेंट राइटिंग में कोई सर्विस चाहिए, तो आप यू कैन टर्न योर सेल्फ इंटू अ बायर और आप जाके दूसरे किसी सेलर की सर्विसेज को हायर कर सकते हैं। देन देयर इज एन ओवरव्यू, ठीक है, नटशेल में जो मेन टर्म्स हैं फाइवर की वो ये हैं कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, सिर्फ वो ही बायर और सेलर हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। लास्टली हमने देखा था कि जब हमने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था तो हमारी गिग पब्लिश नहीं हुई थी। वो गिग इसलिए पब्लिश नहीं हुई थी क्यों, क्योंकि मैंने जो उसमें अपना फ़ोन नंबर एंटर नहीं कर किया था, और मैंने उस फ़ोन नंबर को मैं अगर एंटर करूँ, मैं उसको वेरीफाई करूँ, आफ्टर दैट मेरी गिग जो है पब्लिश होगी, अकाउंट तो मेरा बन गया, लेकिन जब उस पर गिग नहीं है तो आप उस अकाउंट से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको उस अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं है, तो दिस इज़ वॉट फाइवर इज़ डूइंग टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। फेक ऑर्डर्स जैसा मसला अवॉइड करने के लिए फाइवर ने सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए रखा हुआ है कि वो ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो ही ऑर्डर्स ले सकते हैं। I mean के जो कस्टमर है या जो आपका सेलर है, वो दोनों अगर रजिस्टर्ड हो तो ही वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन आपकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगते। देन यू हैव गिग ऑन फाइवर में बी ऑफर्ड एट अ बेस स्टार्टिंग प्राइस ऑफ $5। अच्छा, अब जो आपकी बेस प्राइस है ना, वो हमेशा आपने एक तो खुद डिफाइन करनी होती है। बेस प्राइस आपकी होती है कि जो आप अपने पैकेजेस में मिनिमम पैकेज पर जो आप अपनी ऑफर, आप अपनी प्राइस सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर बेस प्राइस। और बेस प्राइस आपकी बाय डिफॉल्ट $5 जो है ना फाइवर ने सेट की हुई, यानी कि आप $5 से कम नहीं रख सकते, ठीक है। मैक्सिमम आपको $5 रखनी है, और $5 से ज़्यादा जो आप रखना चाहते हैं वो तो फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी हैव अच्छा, बायर्स पे फाइवर इन एडवांस टू क्रिएट एन ऑर्डर। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताई है कि जो भी बंदा फाइवर पे अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो पहले से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपके साथ, उसने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली या उसने आपके पास अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो उससे के बाद फ़ौरन से द सेलर सॉरी जो द बायर इज आस्क टू पे फाइवर, ठीक है, जो अमाउंट, जिस अमाउंट के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, फाइवर आस्क देम टू पे दैट अमाउंट, दैट पर्टिकुलर अमाउंट, और वो अमाउंट ऑर्डर डिलीवर होने से पहले ही जो बायर है वो पे कर चुका होता है फाइवर को। और जब आप कस्टमर को अपना ऑर्डर जो है कंप्लीट करके दे देते हैं, देन विद इन 3 days अगर कस्टमर आपका या जो बायर है अगर वो आपका ऑर्डर उसको मार्क कंप्लीट मार्क नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑर्डर जो है वो मार्क कंप्लीट मार्क हो जाता है, और आपकी जो पेमेंट होती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है आफ्टर 14 to 15 days ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। देन ऑर्डर्स आर परचेज्ड थ्रू द ऑर्डर बटन फाउंड ऑन अ सेलर्स गिग। अच्छा, आप ऑर्डर परचेज कर सकते हैं सिंपली आपने जो अगर आप दूसरे किसी सेलर की गिग ओपन करके देखें, फाइवर पे जाके आप उसको व्यू करें, तो वहाँ पे आपको पैकेजेस पेज के राइट साइड पे पैकेज डिस्प्ले होते हैं और उसके नीचे प्लेस ऑर्डर का बटन होता है, तो वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अगर आप उस गिग के थ्रू प्लेस करना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप एक कस्टम ऑफर बनाना चाहते हैं निगोशिएट करके सेलर के साथ, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। देन फॉर फीस एंड पेमेंट्स, फी रीज द पेमेंट टर्म, अच्छा पेमेंट टर्म्स जो है ना उसके लिए आप फीस और पेमेंट्स के लिए आप इनकी पेमेंट टर्म्स रीड करें, लेकिन मैं आपको इसको नटशेल में डिस्कस कर देती हूँ कि आपकी पेमेंट जो है वो 14 to 15 days में जो है क्लियर होकर आपके पास आती है, कस्टमर आप ऑलरेडी पे कर चुका होता है, लेकिन आपको पेमेंट तब तक नहीं मिलती जब तक एक तो वो ऑर्डर कंप्लीट ना हो,
दूसरा जब तक आपकी क्लियरेंस डेज जो है वो कंप्लीट ना हो, उसके बाद आप उसको विदड्रॉ करा सकते हैं फाइवर पे। आपके पास तीन ऑप्शन है, एक आपका डायरेक्ट बैंक कार्ड सॉरी आपका जो डायरेक्ट बैंक विदड्रॉ ऑप्शन है, फिर एक आपके पास पायनियर का ऑप्शन है, और फिर तीसरा आपके पास फाइवर रेवेन्यू कार्ड का ऑप्शन है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन और हमारे एरिया के हिसाब से वो है हम पायनियर है। पायनियर हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है, क्यों? क्योंकि पायनियर का और जैज कैश का आपस में इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, और जब आप जैज कैश के थ्रू अपना पायनियर अकाउंट बनाते हैं फिर आप उसको वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, तो यू जस्ट हैव टू पे सम वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डॉलर्स और जो सर्विस फी होती है, और आप अपने वो सारे पैसे जो हैं उसको उन डॉलर्स को आप रुपए में कन्वर्ट करके तो अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं। देन यू हैव सेलर्स मस्ट फुलफिल देयर ऑर्डर्स और मे नॉट कैंसिल ऑर्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस और विदाउट कॉज। कैंसिलिंग ऑर्डर्स विल इफेक्ट सेलर्स रेपुटेशन एंड स्टेटस। अच्छा, आपने जो ऑर्डर ले लिया है वो आपने सोच समझ के लेना है, अगर आप वो पूरा नहीं कर सकते तो आप वो ले, ठीक है? इसका आपको नुकसान ये होता है ऑर्डर कैंसिल करने का कि आपका जो कैंसिलेशन रेट है फाइवर उसको भी मॉनिटर कर रहा होता है, और जब आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट कम हो और आपका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा हो और आप एक सिर्फ एडवेंचर के तौर पे यहाँ पे ऑर्डर्स ले रहे हैं और आप देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन नहीं हो रहा, ठीक है कैंसिल कर दो, तो इससे आपकी जो रेपुटेशन होती है एंड योर चांस टू ग्रो एज अ फ्रीलांसर ऑन फाइवर वो बहुत कम हो जाता है। या आप यूँ समझ लें कि आप अपने हाथों से अपना करियर जो है फाइवर पे वो खराब करें अगर आप ऑर्डर कैंसिल करने पर ध्यान दें तो। देन यू हैव सेलर्स गेन अकाउंट स्टेटस बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड रेपुटेशन। आपकी क्या रेपुटेशन है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप कितने किस लेवल पे आप कस्टमर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप किस लेवल पे ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहे हैं, आप सीनियोरिटी किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, आपने कितने डॉलर्स अर्न कर लिए हैं, कितने नहीं किए हैं। हर लेवल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब आप वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम फाइवर आपको मॉनिटर करता रहता है, और जब आप वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप वो पास कर जाते हैं और यू टर्न आउट टू पास दैट असेसमेंट पीरियड, या आप वो टाइम कंप्लीट कर जाते हैं फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तो फिर आपको प्रमोट किया जाता है आप टू नेक्स्ट लेवल। और जब आप अपना न्यू अकाउंट बनाते हैं तो देन यू हैव नो लेवल, यानी कि आप नो लेवल सेलर होते हैं जब आप नया अकाउंट बनाते हैं, और नया अकाउंट बनाने के बाद फिर आप कुछ रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं तो आप लेवल 1 सेलर हो सकते हैं। लेवल 1 के बाद आप लेवल 2 अचीव करते हैं, और लेवल 2 के बाद फिर आप टॉप रेटेड सेलर हो जाते हैं। देन यूजर्स मे नॉट एक्सेप्ट और ऑफर और एक्सेप्ट पेमेंट्स यूजिंग एनी मेथड अदर देन प्लेसिंग एन ऑर्डर थ्रू fiverr.com। अच्छा, इस चीज़ के बारे में फाइवर बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्शियस है कि आप अपना ऑर्डर कभी भी जो बायर है या जो सेलर है उस ऑर्डर को आप कभी भी फाइवर के बाहर आप प्लेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हैं फाइवर पे, आपने किसी बंदे को आपने कोई ऑर्डर दिया है या आपने किसी का कोई ऑर्डर ले लिया है, तो यहाँ पे जब आप फाइवर पे काम कर रहे हैं इन केस आपके साथ कोई फेक फ्रॉड या मसला ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप फाइवर के बाहर हैं तो फाइवर आपको जो ऑथेंटिसिटी है वो इंश्योर नहीं करवा सकता, या फेक ऑर्डर्स वाला जो मसला है वो फाइवर आउट ऑफ देयर वेबसाइट आपको नहीं जो है ना हल करके दे सकता, क्यों? क्योंकि एट देयर वेबसाइट दे हैव मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी बंदा जो है वो नॉन रजिस्टर्ड आपका यहाँ बायर या सेलर नहीं हो सकता, पेमेंट आपकी ऑलरेडी फाइवर के पास चली जाती है, तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपकी पेमेंट आपको ना मिले और आप काम करके दे दें। लेकिन इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ फाइवर तो फिर अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो तो आप फाइवर को ब्लेम नहीं कर सकते, या आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे एक बंदे ने जो है फाइवर पे कांटेक्ट किया लेकिन आई एक्सेप्टेड या आई मेड एन ऑर्डर आउट ऑफ फाइवर तो अब मुझे पेमेंट चाहिए। उस केस में फाइवर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक हो गया? देन वी हैव व्हेन परचेजिंग अ गिग बायर्स इज ग्रांटेड फॉर ऑल राइट्स फॉर द डिलीवर्ड वर्क अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द सेलर ऑन द गिग पेज, नोट सम गिग्स चार्ज एडिशनल पेमेंट्स थ्रू गिग एक्स्ट्रास फॉर कमर्शियल यूज लाइसेंस। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जब आप कोई गिग परचेज कर रहे हैं तो तमाम राइट्स जो होते हैं वो बायर के पास होते हैं, वो उस गिग को खरीदना चाहता है नहीं चाहता, उस सेलर को हायर करना है चाहता है नहीं चाहता, वो सारा उसकी अपनी मर्जी के ऊपर होता है। लेकिन वंस दे हैव परचेज्ड योर गिग या दे हैव हायर्ड योर सर्विसेज तो फिर वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि बिफोर परचेजिंग योर सर्विस वो पेमेंट जो है वो फाइवर को दे चुके हो, ठीक है? तो अब उस केस में उन्होंने जो पेमेंट आपके साथ डिसाइड की है वो आपको उनको आपको पे करनी पड़ती है। एडिशनल केसेस में क्या होता है कि जैसे अब आप स्टॉक इमेजेस यूज कर रहे हैं और शटर स्टॉक का आपको इमेज यूज करते हैं, शटर स्टॉक पे आपको वो कमर्शियल यूज लाइसेंस आपको वहाँ पे इमेजेस को बाय करना पड़ता है, ठीक है? तो अब अगर आप एक इमेज बाय कर रहे हैं शटर स्टॉक पे
और उसके लिए आपको एडिशनल कोई $10-15 लग रहे हैं, तो आपको वो जो एडिशनल प्राइस है वो भी आपका जो बायर है वो पे करता है, और वो आप पेमेंट उससे जो आपका ऑर्डर पेज होता है उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करके, तो वहां से उसको आप या आप इनिशियली अपने गिग एक्स्ट्राज में उसको डाल के तो आप बता सकते हैं कि अगर मैं इतने जो है इमेजेस का को बाय करूँ या इतने इमेजेस की ओनरशिप लूँ तो इसके लिए मुझे इतने चार्जेस चाहिए, तो वो भी वो आपको एक्स्ट्राज में पे कर देते हैं। देन फाइवर रिटेन्स द राइट टू यूज ऑल पब्लिश डिलीवर्ड वर्क्स एंड लोगो डिजाइन फॉर फाइवर मार्केटिंग एंड प्रमोशन पर्पज। अच्छा, आपने जो काम फाइवर पे डाल दिया है वो फाइवर उसको मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकता है, एंड फाइवर हैज दिस राइट। इस चीज से आप फाइवर को रोक नहीं सकते। अगर आप जैसे हमने फाइवर लोगो मेकर की बात की है, तो अगर आप कहें कि जी मैंने यहाँ पे लोगो डिजाइन किया फाइवर इसको कहीं यूज ना करें, तो आप उसके राइट्स नहीं रखते। फाइवर हैज द राइट टू यूज योर वर्क फॉर प्रमोटिंग एंड मार्केटिंग पर्पजेज, और उसके लिए फाइवर आपको पूछेगा नहीं। देन वी केयर अबाउट योर प्राइवेसी, यू कैन रीड अ प्राइवेसी पॉलिसी हियर। आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इट इज ऑल सेम थिंग, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। देन यू हैव यूजर्स अंडरटेक टू कम्प्लाई विद फाइवर्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड विच आर सेट ऑफ बिहेवियर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द फाइवर कम्युनिटी एंड मार्केट प्लेस इन एडिशन टू दीज टर्म्स ऑफ सर्विसेज एज अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, अब ये जो कम्युनिटी बिहेवियर है या जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं फाइवर के, ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने आपको बहुत स्टार्ट में एक मिसाल दी थी कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ चैट कर रहे हैं और ड्यूरिंग दैट चैट आप एक वर्ड है मनी, आप मनी मैसेज में टाइप करते हैं, तो फौरन से आपको ऊपर एक पॉपअप आता है कि आपने ये जो लफ्ज लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज अगेंस्ट अ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। आप पैसों के लेन देन की बात कभी भी फाइवर के बाहर नहीं कर सकते, और अगर आपने फर्दर हमें वायलेट किया तो हम जो है ना आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन इशू करेंगे, कोई ना कोई वार्निंग इशू करेंगे। तो इतना जो है ना फाइवर स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है इन चीज़ों को, तो द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आर मस्ट टू बी फॉलोड। अगर आप कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, आप कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, आप कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर सकते जो किसी भी तरह से अब्यूसिव हो आपके बायर के लिए, या कुछ ऐसा जो उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हो, क्योंकि उस केस में आपको फॉरन से वार्निंग आती है, यू हैव अ चांस कि आपका अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाए या ब्लॉक हो जाए, कंटेनिंग ऑल योर पेमेंट जो शायद आपने अभी तक विदड्रॉ नहीं करवाई, और उस केस में फिर फाइवर आपकी सुनता भी नहीं। देन फाइवर ऑफर्स इट्स यूजर्स द लोगो मेकर व्हिच अलाउज सर्टेन सेलर्स टू ऑफर वेरियस ओरिजिनल लोगो डिजाइन फॉर बायर्स टू एडजस्ट एंड कस्टमाइज पर देयर ओन स्पेसिफिक नीड्स। अच्छा, फाइवर जो है आपको लोगो मेकर की फैसिलिटी ऑफर करता है। लोगो मेकर पे क्या होता है कि दिस इज समथिंग बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फाइवर फॉर द इट इज प्रोवाइडेड फॉर द बेसिकली फॉर द सेलर्स, ठीक है। और सेलर्स आगे से क्या करते हैं कि वहाँ पे आप उस पर ओरिजिनल लोगोज डिजाइन करते हैं, आप वो लोगोज प्रोवाइड करते हैं अपने बायर्स को, ताकि वो अपनी डिमांड या ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत अगर उसको चेंज भी करना चाहते हैं तो जो है ना आप उसको चेंज कर सकते हैं वहाँ पे एज अ बायर, ठीक है। देन यू हैव सेलर्स, सेलर्स में आपके पास जो है ना बेसिक्स आ जाते हैं, और अच्छा ये जो पार्ट है ये भी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के लिए है, या आप यूँ कह लें कि ये उन लोगों के लिए है जो फाइवर पे काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं। तो बेसिक्स इसमें क्या है कि सेलर्स जो है वो गिग्स क्रिएट करते हैं, सेलर्स अपनी कस्टम ऑफर्स जो है वो ऑफर करते हैं। ईच गिग को आप यू सेल एंड सक्सेसफुली कम्प्लीट एक्रेडिटेड्स योर अकाउंट विद रेवेन्यू इक्वल टू 80% ऑफ द परचेज अमाउंट, ठीक है। आपने जो गिग कम्प्लीट की, गिग के पीछे जो आपको ऑर्डर मिला उसको आपने सक्सेसफुली कम्प्लीट किया, तो आपको 80% रेवेन्यू मिलता है। 20% फाइवर जो है वो आपके हर ऑर्डर में से काटता है नो मैटर वॉट, और उसके बाद फाइवर क्रेडिट्स सेलर्स वंस एन ऑर्डर इज कम्प्लीट सी और ऑर्डर सेक्शन फॉर डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीट ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो भी फाइवर आपको क्रेडिट करता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ठीक है अब आपका ऑर्डर जो है मार्क कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप रिव्यू करते हैं अपने जो आपका बायर होता है आप उसको रिव्यू करते हैं, तो जब आप बायर को रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद फिर आपके जो बायर ने आपके बारे में व्यूज दिए होते हैं या जो रिव्यू उसने आपके बारे में लिखा होता है सिर्फ तब ही आप वो देख सकते हैं। तो ये एक और अच्छा तरीका है कि आपने जब तक आप एक दूसरे के बारे में कमेंट्स कर नहीं लेते या आप एक दूसरे को रिव्यू नहीं कर लेते तब तक आप एक दूसरे के रिव्यूज नहीं देख सकते। और लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ये होता है कि आपने अगर मिसाल के तौर पर आप किसी बहुत पथेटिक बायर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपके रिव्यूज से आपने अगर वहाँ पे एक ऑनेस्ट रिव्यू टाइप किया है, तो बाद में कोई और सेलर शायद उस बंदे के झांसे में ना आ सके, या आप मतलब
बायर टू बायर में डिफरेंस होता है। कुछ लोग आपसे बहुत आपको इरिटेट करते हैं, एक छोटा सा काम उन्हें चाहे पता लगता है उनका $5 का ही काम है, लेकिन वो आपकी बिल्कुल जान खा लेते हैं कि नहीं भाई आप हमें ये करके दें वो करके दें। तो अगर आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू है तो कोई दूसरा सेलर जो है वो इस परेशानी से बच सकता है। देन सेलर्स मे प्रमोट द गिग्स और एनी फाइवर कंटेंट बाय गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। आप अपने गिग्स को एड प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन सेलर्स रेटिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्डर रिव्यूज पोस्टेड बाय बायर्स और बिजनेस अकाउंट टीम मेंबर्स। ठीक है, आपके जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो रेटिंग्स हैं वो मेंटेन होती हैं बायर के रिव्यूज के हिसाब से। किसी बंदे ने जो आप जिस हिसाब आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, जो आपका बायर था उसके जो रिव्यूज थे आपके बारे में, उसके हिसाब से आपकी जो रेटिंग होती है वो कंपाइल की जाती है। सिक्योरिटी कंसर्न के लिए फाइवर जो है टेम्परेली डिसेबल कर देता है सेलर्स अबिलिटी टू विदड्रॉ रेवेन्यू टू प्रिवेंट फ्रॉडल और इलिसिट एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, अब इसका वैसे ये सिक्योरिटी कंसर्न मुझे इतने नहीं समझ आते, लेकिन ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है और उसकी वजह से हम जो है आपका रेवेन्यू विदड्रॉ रेवेन्यू जो है वो फॉरन से, क्योंकि जाहिर है आपका जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है तो आप साथ ही उसको विदड्रॉ नहीं करवा सकते, तो ठीक है, दे हैव सम सिक्योरिटी रीजंस, तो इस वजह से आपकी 14 to 15 days में आपकी पेमेंट क्लियर होती है और उसके बाद फिर आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हैं। देन सेलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग अ जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी विद कवरेज अमाउंट दैट इज सफिशिएंट टू कवर ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद परफॉर्मेंस ऑफ ऑल देयर सर्विसेज। तो ये एक लायबिलिटी है जो फाइवर की तरफ से आपको ऑफर होती है। देन यू हैव गिग्स, तो गिग्स पे जो है आपका सेलर्स आर अलाउड टू पोस्ट एंड सेलेक्ट अमाउंट ऑफ गिग्स बेस्ड ऑन देयर लेवल स्टेटस। ठीक है, अगर आप नो लेवल सेलर हैं तो आप सिर्फ 7 गिग्स एट अ टाइम पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 लेवल सेलर हैं तो आप 10 गिग्स पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 लेवल सेलर हैं तो आप 20 गिग्स पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप टॉप रेटेड सेलर हैं तो फिर आप 30 गिग्स पोस्ट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम रेंज है गिग्स पोस्ट करने की। देन गिग्स जो है वो फाइवर पर क्रिएट होती हैं, उसमें आप कोई भी इलीगल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। कॉपीराइट जो है ना इंफ्रिंजमेंट नहीं हो सकती, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट नहीं हो सकती, आप कुछ भी थर्ड पार्टी के टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेट नहीं कर सकते, आप कुछ भी एडल्ट ओरिएंटेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप इंटेंशनल कॉपीज ऑफ गिग्स नहीं बनाते किसी दूसरे की, आप गिग कॉपी नहीं करते, आप जो है ना स्पैम या नॉनसेंस किस्म की गिग्स क्रिएट नहीं करते, मिसलीडिंग गिग्स क्रिएट नहीं करते, रेगुलेटेड जो गिग्स होते हैं आपके, आप उनको या आप किसी दूसरे की जो गिग है उस, या आप यूं कह लें कि आप एक अपनी गिग क्रिएट करके और काम किसी और से करवाते हैं और आप अपनी गिग के थ्रू शो करवाएं कि वो आप करवा रहे हैं, तो ये भी अलाउड नहीं होता फाइवर पे। देन यू हैव ऑफरिंग टू प्रिपेयर एकेडमिक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बायर्स। आप अपने बायर्स के बिहाफ पे आप उनको एकेडमिक वर्क में हेल्प आउट नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान में जैसे एक बहुत आम रुझान है कि आप असाइनमेंट्स बना के देते हैं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को आप हेल्प आउट करते हैं, लेकिन फाइवर में फाइवर के प्लेटफॉर्म के हिसाब से या फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विस के हिसाब से ये बहुत गलत समझा जाता है इसको, और ये आप इसको यूँ समझ लें कि आप ये एक वायलेशन है उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की कि आप किसी के एकेडमिक वर्क पे आप उनको जो है ना हेल्प आउट कर रहे हैं। देन एक्सीडिंगली लो क्वालिटी गिग्स आपने नहीं बनानी, और कुछ भी आपने ऐसा नहीं करना जो आप अपनी एक्टिविटीज के थ्रू या आप अपने यूँ कह लें कि आपने अपनी किसी एक्टिविटी के थ्रू फाइवर का या कि अपने इस प्लेटफॉर्म को जो है ना आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। देन गिग्स दैट आर रिमूव्ड फॉर वायलेशंस आर मेंशन अबव मे रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ द सेलर्स अकाउंट। अच्छा, अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है जो मैंने अभी ऊपर मेंशन किया तो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है, और फाइवर हैज द राइट टू सस्पेंड योर अकाउंट एट एनी स्टेज इवन आपको नोटिफाई किए बगैर भी। देन आपकी गिग्स जो है वो रिमूव हो जाती हैं, जो एलिजिबल नहीं होती तो आप उनको रिस्टोर नहीं कर सकते, वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, और फिर जो आपके गिग्स में भी रिमूव फ्रॉम आवर सर्च फीचर। फिर अगर आपने कोई गिग अच्छी नहीं बनाई, वो उसकी पूर परफॉर्मेंस है, उसकी ओवरऑल पथेटिक क्वालिटी है, तो आपकी सर्च में भी अपेयर नहीं होती। फिर आपकी गिग्स में इंक्लूड प्री अप्रूव वेबसाइट URLs कंटेन्ड विद इन द गिग डिस्क्रिप्शन आर रिक्वायरमेंट बॉक्सेस। गिग्स कंटेनिंग वेबसाइट्स प्रमोटिंग कंटेंट विच वायलेट्स। अच्छा, आप किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी नहीं प्रोवाइड कर सकते फाइवर की गिग्स के अंदर। मतलब ये है कि आपने मतलब वो इस चीज़ को इस तरह समझते कि आप कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें, तो ये भी फाइवर के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। देन आप कोई इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते जिसमें जो है ना
जो फाइवर जिसको अपने वो नहीं करता, अलाउ नहीं करता, या फाइवर जिस वीडियो को अप्रूव नहीं करता, आप उस वीडियो को अपने अकाउंट पे अपलोड नहीं कर सकते, देन यू हैव गिग एक्स्ट्रा। गिग एक्स्ट्राज में आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपने एक्स्ट्रा वहाँ पे मेंशन कर दिया लेकिन बाद में आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, या आप फिर उसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उसके लिए ऑलरेडी एक्स्ट्रा चार्ज कर चुके होते हैं। और जब फाइबर आप तो मतलब आपका कस्टमर पेमेंट पे करता है, तो वो उसी के हिसाब से, इफ दे वांट दैट वर्क, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके गिग में बेसिक जो आपका डिलीवरी टाइम था वो 3 दिनों का था, और एक्स्ट्रा के हिसाब से आपने वहाँ पे 2 डेज की डिलीवरी मेंशन की थी फॉर एक्स्ट्रा $20, और आपके बायर ने वो $20 पे किए हैं, और अब आप कहते हैं कि मैं इसको इतनी जल्दी नहीं करके दे सकता, तो अगेंस्ट अगेन दिस इज अगेंस्ट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। और आप पहले तो एक्स्ट्रा ध्यान से फिल करें, और जब आप कर लेते हैं तो देन अबाइड बाय दोज एक्स्ट्रा दैट यू हैव फिल्ड। उसके बाद आपके पास लेवल्स हैं, लेवल्स में आपके पास आ जाते हैं जी, फाइवर इज ऑल अबाउट हेल्पिंग सेलर्स लेवरेज देयर स्किल्स, ठीक है। लेवल वाइज आपको फाइवर रेट करता है, इसमें आपकी स्किल्स किस तरह से आती हैं, कि अब जो लेवल नो लेवल सेलर है डेफिनेटली वो एक न्यू सेलर है जिसने अभी आके फाइवर पर काम करना स्टार्ट किया। जो लेवल 1 सेलर है वो डेफिनेटली कम अज कम भी 6 महीनों से तो काम कर ही रहा है, तभी वो जाके लेवल 1 पे पहुंचा है। फिर जो लेवल 2 सेलर है वो डेफिनेटली 1 साल से काम कर रहा है, वो ज्यादा एक्सपीरियंसड है और उसके पास ज्यादा नॉलेज है अपने फील्ड के हवाले से। और जो टॉप रेटेड सेलर है वो तो फिर ऑलरेडी ही एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। तो फाइवर जो है आपको इस तरह से रेट करता है, इससे आपके अंदर एक तो कॉम्पिटेंसी रहती है, आप कोशिश करते रहते हैं, यू हैव दैट स्किल टू कम्पीट, कि नहीं अब मेरा नो लेवल है तो अब मैंने इसको लेवल 1 पे लेकर जाना है, लेवल 1 से फिर मैंने इसको लेवल 2 पे लेकर जाना है, एंड देन फाइनली आपने टॉप रेटेड सेलर बनना है। देन सेलर फीचर्स में आपके पास क्या फीचर्स फाइवर प्रोवाइड करता है, कस्टम ऑर्डर्स आप प्रोवाइड करता है फाइवर आपको, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया। प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स में आप अपने माइलस्टोन्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, मतलब आपने अगर आपका कोई $100 से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो उस पर आप अपने माइलस्टोन्स जो है वो सेट करते हैं, और हर माइलस्टोन के लिए आपको सेपरेटली पे किया जाता है और आपको सेपरेटली डिलीवर करते हैं उसको। इसमें आपके बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आपने ये काम किया, इसके लिए आपने इतने चार्ज किए, अब आपको पे कर दिया गया, अब मूव टूवर्ड्स योर नेक्स्ट माइलस्टोन, उसको आप कंप्लीट करें, इतने आपने चार्ज किए, आपको पे हो गया, मूव टू नेक्स्ट माइलस्टोन, इस तरह से ये काम करते हैं। गिग सब्सक्रिप्शन सेलर्स में ऑफर बायर्स अ फिक्स टर्म सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक गिग, ड्यूरिंग द गिग सब्सक्रिप्शन टर्म सेलर विल डिलीवर द ऑर्डर ऑफ द सेम गिग ऑन अ रिकरिंग बेसिस एज अग्रीड बिटवीन। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपका मतलब आप यूँ कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फॉर सम टाइम पीरियड, या एक खास जो है ना आपके लिए मदद के लिए, और उस टाइम में आप उसी तयशुदा प्राइस के मुताबिक आप अपनी जो है ना सर्विसेज उस बायर को प्रोवाइड करते हैं। देन फाइवर स्टूडियोज, तो फाइवर स्टूडियोज कंटेन और अलाउ सर्टेन सेलर्स टू कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड ऑफर बायर्स मल्टी सर्विस के। अच्छा, स्टूडियो जो है फाइवर का, ये एक आप कह लें कि नॉर्मली नो लेवल सेलर्स की इसमें कोई इतनी या उनके लिए इसका इतना कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अगर कोई टॉप रेटेड सेलर है एंड दे वांट टू कोलैबोरेट विद सम अदर सेलर, तो उसके लिए फिर जो है फाइवर स्टूडियोज का ऑप्शन मौजूद होता है आपके पास। देन फाइवर एनीवेयर इज द फीचर दैट अलाउज सेलर्स टू सेंड कस्टम ऑफर्स आउटसाइड ऑफ फाइवर। अच्छा, ये आपको जो है ना एक ऐसा फीचर है जिसमें अगर आप आउटसाइड ऑफ फाइवर अगर कोई ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये फीचर है जिसमें अगेन फाइवर आपके आपको सेफ गार्ड कर रहा होता है और आपको किसी फ्रॉड वाले मसले से बचा के रखता है। देन यू हैव स्टॉक मीडिया, स्टॉक मीडिया में आपने जो ये आपके पास ऑप्शन होता है फाइवर पे, इसमें आप क्या करते हैं कि सेलर्स अर्न 20% ऑफ द फीस चार्ज डायरेक्टली फॉर द स्टॉक मीडिया, ठीक है। और स्टॉक मीडिया में आपके पास आप कह लें कि इसमें जो आपके स्टॉक इमेजेस होते हैं, जैसे शटर स्टॉक है या जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए जिन इमेजेस के लिए, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके स्टॉक मीडिया में इंक्लूड होती हैं। देन शिपिंग फिजिकल डिलीवरेबल्स, अगर आपने कोई ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई चीज़ है या कोई कलेक्टेबल है जो आपने शिप करना है अपने कस्टमर को, तो वो सर्विस भी आपको प्रोवाइड होती है फाइवर के थ्रू, यानी आप वो चीज़ डिलीवर करके तो पेमेंट अगेन आप फाइवर के थ्रू ले सकते हैं।